In this session, we will talk about some major transformations which are mainly used in time series analysis. As we know that the stationarity is the main concern in Box and Jenkins approach. So we need to ensure that the time series is stationary and in certain equilibrium for further processing. Ab, Box Jenkins approach jo hai, isme stationarity ek key requirement hai. इसके साथ साथ हमें कुछ इन्फ्रेंस करने के लिए डेटा के नॉर्मेलिटी भी रिक्वायर होती है. फर्स्टली जब हम टाइम सीरीज को प्लॉट करते हैं तो उस प्लॉट से हमें कुछ ऐसी डिस्क्रिपेंसीज नजर आ सकती हैं जो हमें ये बात इंश्योर करवाएंगी कि हमें टाइम सीरीज को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है. जो मेनली ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते हैं उसमें एक तो लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन है और सेकेंडली स्केयर रूट ट्रांसफॉर्मेशन है. अब ये ट्रांसफॉर्मेशंस हमें कब कब जरूरत पड़ेगी वो हम देख लेते हैं. इसकी दो मेन रीजंस हैं. अगरचे ये ट्रांसफॉर्मेशंस और पर्पस के लिए भी यूज हो सकती हैं, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे उनमें से दो जो बुनियादी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इन ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करेंगे. पहला पॉइंट तो ये है कि हमारी जो टाइम सीरीज है उसका वेरियंस स्टेबल नहीं है, तो उसको स्टेबल करने के लिए हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे. सेकेंडली, जैसा कि हमने बात की कि कुछ इन्फ्रेंस पर्पस के लिए जो टाइम सीरीज डेटा है उसकी नॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड होगी. अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट ये होगी कि हम उस पर कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें जिससे वो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए. अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कब एडवाइज की जाती है? पहली बात तो यह है कि डेटा में अगर कोई ट्रेंड मौजूद हो तो उसकी वजह से भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं मॉडल बिल्ड करने के लिए, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है. अगरचे ऐसे केस में एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम डिफरेंसिंग कहते हैं वो यूज की जा सकती है, लेकिन अगर टाइम सीरीज का वेरियंस भी स्टेबल नहीं है तो लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन जहां पर वेरियंस को स्टेबल करेगी वहां पर साथ साथ कुछ वो ट्रेंड को भी हैंडल कर सकती है. अब जनरली होगा क्या कि वेरियंस कब स्टेबल नहीं होगा, कि जब हमें ये लगेगा कि मीन में चेंज आने के साथ साथ, यानी डेटा में ट्रेंड तो मौजूद है कि उसके अंदर चेंज आ रही है, सपोज इंक्रीजिंग ट्रेंड मौजूद है, लेकिन मीन के साथ साथ वेरियंस भी चेंज होता जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में हमें उस वेरियंस को पहले स्टेबल बनाने की जरूरत है जिसके लिए लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा बेहतर तरह से हमें हेल्प कर सकती है. सेकंड जो रिक्वायरमेंट है जो कि इन्फ्रेंस पर्पस के लिए हमें जरूरत होती है वो ये कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस की एक तरह से बैकबोन है, और हम बहुत सारे जो इन्फ्रेंशियल टूल्स यूज कर रहे होते हैं उनकी एक प्री रेक्विजिट कंडीशन यही है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. अब ये अजम्पशन का फुलफिल करना उस पर्पस के लिए बहुत जरूरी है. इसके लिए हम बाज़ुकात ऐसा होता है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर जो स्क्यू है कुछ इस एक्सट्रीम नेचर का मौजूद है कि ट्रांसफॉर्मेशन उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करती. अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करने के बावजूद डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना बन रहा हो, तो हमें फिर बेहतर ये है कि हम एरर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अंडरलाइंग प्रोसेस है, अंडरलाइंग नॉइज है, उसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय किसी और डिस्ट्रीब्यूशन को एज अ मॉडल यूज कर लें. लेकिन डेफिनेटली प्रेफर्ड यही होगा कि हम किसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करके उस डेटा को नॉर्मल बना लें. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस हेल्प कर सकती हैं? इसमें से एक तो लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी पॉपुलर है कि जहां पर ये वेरियंस को स्टेबल करती है उसके साथ साथ ये डेटा को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड भी बना सकती है. उसके साथ साथ ये हमारे पास बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद है जिसमें हम लैम्डा की कोई अप्रोप्रिएट वैल्यू चूज करके उसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि रिजल्टिंग सीरीज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट तो यही होगी कि हम टाइम सीरीज डेटा को प्लॉट करें, उसके अंदर कुछ जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको एड्रेस करने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करें ताकि हमारा जो है वो मॉडल बिल्डिंग के लिए रेडी हो जाए.